भारत सरकार ने देश की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिला को 5,000 व दूसरी बार में 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि सीधा महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो काफी चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि इस शो के फेमस एक्टर गुरुचरण सिंह ने 22 अप्रैल से ही दिल्ली से लापता थे। बता दें कि गुरुचरण सिंह अब एक बाद महीने घर वापस लौट गए हैं, कुछ दिन पहले जब गुरुचरण एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट जगत में काफी हलचल शुरू हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनका क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास लेना अब बहुत अधिक दूर नहीं है, वे जल्द ही क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोहन यादव सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश के धार्मिक नगरी और देवास की शंकरगढ़ की पहाड़ियों को फिल्म उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सरकार ने मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में पर्यटन की दृष्टि से 1150 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का दावा किया है। खालिस्तानी संगठन एक बार फिर भारत के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ी साजिश रच रहा है। भारत में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 15 अगस्त के दिन यह संगठन दिल्ली में जगह जगह पर खालिस्तान नारे वाले पोस्टर भी लग सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को टारगेट का किलिंग के भी इनपुट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में देश के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद के हुए कैप्टन ब्रजेश थापा की मौत पर उनके परिवार ने शोक व्यक्त किया। कैप्टन थापा के चाचा ने दर्द बयां करते हुए कहा कि लोगों के लिए यह कहना बहुत ही आसान है कि जवान ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन इस बलिदान में हुई क्षति को परिवार वाले कभी नहीं झेल पाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बरेली दंगे के मास्टरमाइंड और इत्तेहादे मित्तल काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले बयान पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ तब अगर उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया गया होता तो यह नौबत आती ही नहीं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में 17 जून को हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की 3 बड़ी वजह सामने आई है। रेलवे ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जांच में सामने आए तथ्यों को देखकर लगता है कि हादसे का इंतजार किया जा रहा था। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल होने के बाद लोको पायलट और स्टेशन मास्टरों के निर्देशों का पालन नहीं किया। मुहर्रम के पर्व पर सरिया कानून के तहत चलने वाले देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने मुहर्रम पर छाती पीटने और खुद को करने पर बैन लगा दिया है। मुहर्रम को लेकर तालिबान ने बड़े कानून बनाए जिसमें कहा कि शोक मनाने वाले समूहों को अब खुद को मारना मना है। इसके साथ ही मुहर्रम पर छाती पीटना पूरी तरह से वर्जित है। भारतीय टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर ने IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मैटर पद छोड़ने के बाद सभी से विदाई ली। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई को कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में 17 और 18 जुलाई को हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। भोपाल के रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। जब आप स्टेशन जाएंगे तो आपको प्रदेश के बड़े मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। सरकार भारतीय रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका विकास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया जाएगा। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सनकी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर इन दिनों साजिश नाडियाड वाला द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। सामने आ रही है कि लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के निर्माता एक्टर की हरकतों से काफी नाराज है और इस वजह से उन्होंने फिल्म की शूटिंग बंद करने की धमकी भी दे दी है। दिल्ली मेट्रो में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने चीफ रेजिडेंट इंजीनियर, सिविल और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अग्निवीरों को लेकर हाल के दिनों में संसद से लेकर सड़क तक हो हल्ला मचा था। विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम पर कई सवाल उठाए थे। इसके बाद अब अग्निवीरों में अपनी सेवाएं दे चुके जवानों के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही है।